आप सबकी लाइफ से प्रॉब्लम्स बिल्कुल ऐसे चले जाएं जैसे वो कभी थे ही नहीं आप सब लोग ग्रो करो फ्लरिश करो और रंगों की तरह सबको खुशियां बिखेरो दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एज ह्यूमंस ऑन द राइट सो लेट्स बी जॉयफुल लेट्स 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 स्प्रेड स्प्रेड कलर हैप्पीनेस स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन आज की क्लास आप सब लोगों में से उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं लाइक इट्स लाइक अ प्योर बिगनर्स सेशन मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग साप्राइज रखा है सेशन के बीच में भी जहां पर मैं आप लोगों को आज एक ऐसा क्लोज टेस्ट कराऊंगी जिसको आप लोगों ने आज तक किया नहीं है यू हैवर एवर 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 डॉन क्लोज टेस्ट लाइक दिस बिफोर सो लेट एस स्टार्ट द सेशन आज की क्लास में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होंगे आपकी स्ट्रैटेजी नॉर्मली जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं करना तो हमें हमेशा उसके बारे में पता होना चाहिए राइट सो सेशन अगर आप सब लोग तैयार हैं तो एक काम करिए सबसे पहले मिलकर सारे लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आप सबने नहीं किया है तो यकीन मानो विदाउट लाइकिंग एंड शेयरिंग देर इज नो केयरिंग ये सेशन ग्रो नहीं करेगा अगर आप नहीं करवा पाओगे है ना

याद रखिएगा क्लोज टेस्ट एक वो कैप बेस्ड पैसेज होता है इट इज अ अच इज वोकैप बेस्ड इस पैसेज में अब हम कई वेरिएशन देखते हैं जैसे कई बार अब ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट भी आ रहा है ठीक है अब ये ग्रामर बेस्ड पैसेजेस भी आने लगे हैं इसके अलावा एक और पैटर्न अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आप लोगों को सेंटेंस फिलर्स या फिर फ्रेजेस को फिल करना होता है तो फ्रेज बेस्ड क्लोज टेस्ट या फ्रेज बेस्ड पैसेजेस भी अब हमें क्वेश्चन में आने लगे तो फिर क्या मैम हमारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा नहीं लेकिन आपका अप्रोच चेंज होगा हर एक पैटर्न के साथ रीजन अगर फ्रेज बेस्ड पैसेज होगा तो ये आपकी रीडिंग स्किल्स को यू नो चेक करेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है अंटिल एंड तुम्हें ग्रामर नहीं पता है तुम रीडिंग भी नहीं कर पाओगे यानी ग्रामर के लिए भी आप लोगों को ग्रामर प्लस रीडिंग करने की जरूरत है हर चीज में अलग अलग आप लोगों का आएगा मतलब जो अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी वो हर तरीके के पैसेज में थोड़ी डिफरेंट होती है एंड व्हेन इट इज अ वोकैब बेस्ड पैसेज ग्रामर प्लस वोकैबुलरी इज द की मतलब अगर वर्ड्स नहीं आते तो हम ये नहीं कह सकते कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे बिकॉज दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ठीक है अच्छा हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस नो हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी नो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट आपके मन में एक पैसेज आ जाएगा जिसमें ब्लैंक्स होते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है हम उसी तरीके से पैसेज को फिल कर देते हैं देखो फिल इन द ब्लैंक्स में और क्लोज टेस्ट में एक बहुत कॉमन सी चीज है और वो है पैसेज में एक स्टोरी होना जो आपके फिलर्स होते हैं ठीक है ठीके? आप उनको वन लाइन स्टोरी समझ लो वो वन लाइनर्स होते हैं ठीक है तो आप इनको वन लाइन स्टोरीज समझ लीजिए जिनके बीच में एक कोई मिसिंग वर्ड होता है जो आप कंप्लीट करते हो और जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है वो आप लोगों का एक कंप्लीट स्टोरी होता है इज इज गिवन इन बिग पैराग्राफ नाउ द क्वेश्चन अगर स्टोरी होता तो चल जाता क्लोज टेस्ट अब अलग अलग एस्पेक्ट में आते हैं जैसे कि कुछ क्लोज टेस्ट आप लोग फाइनेंस बेस्ड देखोगे जो सबसे डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना कुछ सोशल बेस्ड होता है

कभी कभी ऑयल जो है है ना वो फैल जाता है नदियों में मतलब जो 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 वहां वहां की आ, आ, जो, आ, ओशन है वहां पे जो है है पे ऑयल ऑयल वो स्पिल स्पिल हो जाता है। और ये बहुत सारे रीजन से होता है हम लोग क्या करते हैं उन जगहों पे जाके खुदाई करते हैं ठीक है तो जब हम नीचे डीप डाउन खुदाई कर रहे होते हैं कभी कभार मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से और सर्टेन अदर रीजन है ना वो ऑयल स्पिल हो जाता है इसी के ऊपर एक आर्टिकल आया था आइसबर्ग एंड स्पिल्स पर तो एक आर्टिकल ये भी था कि कैसे कितनी तरीके से डेंजर हो सकता है रीजन तो हो गया सोशल हो गया एनवायरमेंट हो गया इसके अलावा स्टोरी बेस तो है ही है वो तो हर ऑथर का फेवरेट है बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर डूइंग समथिंग इन द द्रेलिम लेवल तो क्लोजेस्ट के जो लेवल्स होते हैं और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत डिफर करते हैं ठीक है अब इसमें कई पैटर्न्स भी आने लगे हैं जैसे कुछ क्लोज टेस्ट में आप लोगों को सिंपली वर्ड्स को फिल करना होगा लाइक देर विल बी गिवन टू यू कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे और हर वर्ड के लिए आपको पांच ऑप्शन दे दिए जाते हैं एक तो ये पैटर्न है जो हम हमेशा से कर रहे हैं नॉट दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल पैटर्न इसे हम कहते हैं हमारे क्वेश्चंस के ट्रेडिशनल पैटर्न्स। एक पैटर्न और आया है जहां पे आप लोगों को एक पैसेज के बगल में ही ए बी सी डी करके कोई वर्ड दे दिया जाएगा ठीक है इस वर्ड का रिप्लेसमेंट आपको खोजना है या फिर बताना है कि ये वर्ड ठीक है पहले आप लोगों को दिया जाएगा इनके पांच रिप्लेसमेंट और ई में लिखा जाएगा नो चेंज रिक्वायर्ड ई में लिख दिया जाएगा नो चेंज रिक्वायर्ड तो इससे क्या करना होगा ये नया पैटर्न का एक आया है

क्लोस्टर्स को सॉल्व करने की अब स्ट्रैटेजी क्या है नाउ देयर इज अ ट्रिक जो मैं हर बार बताती फोर टू फाइव लाइंस किसी भी पैसेज को पढ़ने से आपको उस पैसेज का थीम या फिर आइडिया तुरंत दे देगा ही आपको थीम या आइडिया मिलता है आपको दो चीजें क्लियर होंगी पहला ये पैसेज है जो है कहीं ये क्रिटिकल तो नहीं अगर इन्वायरमेंट बेस्ड होते हैं मोसी तो जैसे क्रिटिकल होते हैं फल है अब उसमें रेपो रेट है अब उसमें आरबीआई है उसमें रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं एंड आई आई एम नॉट श्योर ऑफ देम डोंट नो इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है मुझे तो ये तक नहीं पता कि कैसे की रेपोरेट uh, कैसे तय किया जाता है अब मैं करेंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ता ना मैं तो फ्रेशर हूँ मुझे क्या आता है? है ना तो कई बार क्या होता है फोर फाइव लाइन्स पढ़ने से जो पांच मार्क्स आपके एग्जाम में है बहुत क्लियर पांच मार्क्स आपके एग्जाम में है उसमें आप लोगों को टोन क्लियर हो जाती है कि ये क्रिटिकल है अगर क्रिटिकल है तो मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी नेगेटिव होते हैं काफी नेगेटिव से ऑप्शंस होते हैं कई बार आप लोगों को पैसेज जो होगा वो अपलोडिंग मिलेगा यहाँ पर जो भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे वो काफी पॉजिटिव मिलेंगे अगर आप लोगों को कभी कोई ह्यूमरस सा पैसेज मिला तो वो काफी सटायरिकल होता है मोस्टली लोग फन पैसेजेस देते नहीं वो सटायर होता है जैसे कि हम कहते हैं ना मॉकिंग करना किसी चीज का उपहास उड़ा रहे होते हैं वो नेगेटिव तरीके से है ना तो उसको हम बोल सकते जिसको हम सार्कम भी बोलते हैं है ना मतलब बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हिंदी मतलब हस्त कुछ और ही कह दिया तो सामने वाला समझ भी गया और आपको आपको बुरा भी नहीं बनना पड़ा एक ऐसा पैसेज भी आता है तो टोन जो होता है ना वो आपके पैसेज के फोर फाइव लाइन में सेट हो जाता है ऐसा लेकिन जरूरी भी नहीं जैसे मेन के पैसेजेस में कई बार बड़ी टोन आते हैं पैसेज ऊपर कुछ चल रहा है नीचे आके बिल्कुल ही सिस्टम बदल जाता है पैसेज का आपको लगेगा क्या एकदम से वक्त बदल गया जज्बात बदल गए ये वही वाला सीन होता है जब ये आता है जब हम पैसेज के टोन में सडन चेंज देखते हैं जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल पॉलिटिक्स ले लीजिए पॉलिटिक्स इज नेवर वेरी मच अप्रिशिएटेड ठीक है पॉलिटिक्स इज नेवर एप्रिशिएटेड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एस्पेक्ट और एन आर्टिकल या एक ऐसे मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं जो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टी है या फिर आप बोल दीजिए कि आ, ऐसा मुद्दा जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है ठीक है लेकिन आपने कहा कि आपने पहले उस मुद्दे के बारे में एक पूरी पुरानी हिस्ट्री डिस्कस कर दी पूरा नेगेटिव लग रहा है पर आप एसिड एंड में आके आपने बताया कि सरकार ने लेकिन इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया कि ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे पर भी हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं अब जाकर वो कॉन्ट्राडिक्टी एक एक है या ट्रिपल तलाक का मुद्दा ले लीजिए वो भी इसी का हिस्सा है लेकिन पैसेज का जैसे ही हम दूसरे हिस्से पर आते हैं तो यहां पर हमें लग रहा है कि सरकार के एक डिसीजन की वजह से कैसे एक पूरी कम्युनिटी सुधर गई या कैसे एक कम्युनिटी बच गई

एक चीज और जब भी फर्स्ट का का, ब्लैंक का तो काम करना आप उसके नीचे सेकंड ब्लैंक तक चले जाइएगा अब मान लो सेकंड ब्लैंक कहीं इधर है आपको आंसर तो इसका देना है लेकिन आप एक बार यहां तक पढ़ लीजिए इस फुल स्टॉप तक पूछिए क्यों सेकेंड हमेशा जो ब्लैंक होता है उसमें हिंट होता है फर्स्ट ब्लैंक के लिए जैसे एक बार एक आर्टिकल आया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मिसाइल्स uh, को लेकर यूके के साथ यूएसए के साथ एक डील चल रहा था ठीक है उस पर वो लोग डिफेंस uh, को लेकर एक आर्टिकल uh, लाए थे अब क्या वो पहला वाला जो लाइन था वो इतना कंफ्यूजिंग था जिसमें हम ऑप्शंस को लेकर श्योर ही नहीं हो पा रहे थे कि वो ऑप्शन मीन क्या कर रहे हैं बट आपको पता है उसी का ऑपोजिट कॉन्ट्रोडिक्टी सेकेंड लाइन में लिखा हुआ था विद आंसर मतलब द वर्ड अ कंपाउंड नाउ विद आंसर

ब्लैंक के बाद में आ रहा है मान लो अगर यहाँ प्रेपोजिशन भी रिलाई करता है प्रेपोजिशन पे कंजंक्शन कई बार आप लोग देखना आपको एंड के बगल में एक नेगेटिव वर्ड दिख रहा होगा और ये आपका ब्लैंक है जो आपको फिल करना है ऑब्वियस है इसमें नेगेटिव ही आप जाएगा पॉजिटिव जा ही नहीं सकता है ना तो ये कुछ हेल्प मिल जाते हैं हमको सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करिए जब आप टेंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा जो सेंटेंस का जो टेंस है वो हमें प्रेजेंट टेंस में बोल जाए वो पास्ट में बोल जाए ये सारी चीजें क्लोज टेस्ट करते वक्त ध्यान में रखनी है एस अ चाइल्ड क्या हम सब कर सकते हैं नहीं इनिशियली जब आप बिगनर होते हो या जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हो एग्जाम तो वो जगह है जहां पे तुमको अपना प्रदर्शन दिखाना है वो करो या मरो है लेकिन जो हम जब हम स्ट्रैटेजी लेकर एक आदत बना लेते हैं बीस क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की मान लीजिए आपने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे सॉल्व करना एग्जाम के पहले है ना और आप इसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करें आप बिलीव नहीं करोगे आप छह से सात मिनट जो शायद उस क्लोज टेस्ट को देते दैट विल बी ओनली थ्री टू फोर मिनट्स इट इज डूएबल ठीक है सो आई एम श्योर आई गेव यू वेरी 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 गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड वॉट इट इज ऑल अबाउट वाई की वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट वाई हिंडोर्टेंट वाई टोन ऑफ द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट बट अभी जो हम करने जा रहे हैं वो तीन पैसेजेस हैं आई सी इफ इफ कैन डू थ्री और मे बी टू यू आर नॉट इंटरेस्टेड इट्स ओके इट्स फाइन आई अंडरस्टैंड फेस्टिवल सीजन है तो आप लोगों का ध्यान भी कहीं और है तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं अगर आप सब हैं तैयार तो चलिए सेशन में देखा जाए आज क्या क्या इंटरेस्टिंग आप सबके लिए हमने रखा है Ready? Let's start. Guys, लेकिन उससे पहले आप सबको एक छोटी सी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है एंड इज लाइक एंड शेयर आई होप इतना सब कुछ आपको पसंद आया होगा और आपने सेशन को लाइक एंड शेयर मेरे से बिना पूछे कर दिया है मेरे बिना कहे हो गया परिवार को सबने लाइक एंड शेयर कर दिया एडिटोरियल देख के होमवर्क कर लिया ये मैंडेटरी है ठीक है आए, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट so, डायरेक्शन पांच आपके ऑप्शन होंगे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले रीड आप लोग क्या करेंगे आप लोग पहले पैसेज को रीड करेंगे एंड फॉर दैट आई गिव यू गिव्यून टू टू मिनट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम टेक योर टाइम सॉल्व द क्वेश्चन एंड सी इफ यू कैन आंसर दीज इज दैट स्टूडेंट एवरी वन पक्का लंबी सांस ले लीजिए क्योंकि एक छोटा सा एक्सरसाइज आपका वेट कर रहा है ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड आई एम श्योर यू गोइंग टू मेक मी प्राउड Here is your first question. Okay? Only read. No options, nothing. I'm going from the screen, read. है जी यू अंडरस्टैंड यहां पर हम एक न्यूज रूम सिनारियो की बात कर रहे हैं इतना तो समझ में आ रहा है सभी को आई थिंक इतना तो क्लियर है आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लियरली देख तो लिया है है ना अब आपको मैं व, इस पैसेज के बारे में एक छोटा सा जनरल सा आइडिया दू यू वर्क इन अजमेर न्यूज रूम में लास्ट टाइम क्या बोला ब्रॉडकास्ट शुड बी ऑन टाइम क्योंकि टाइम इज द द इज ऑफ दसियर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वर्क इन न्यूज रूम एज द डैश विद्रक्शन साइट ऐसी जगह पे काम करते हैं जो न्यूज रूम को फैसिलिटेट कर रहा होता है कुछ लोगों को तो गाली देने को भी मिल जाता है बट ऑल इन गुड फेथ लेकिन ये सब अच्छे काम के लिए है ना दो बिकॉज एट दी एंड ऑफ पुटिंग लेट स्टार्ट विदर्स्ट वर्ड चिल्ड्रेन ऑल द वेरी बेस्ट बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन है इस फर्स्ट वर्ड के लिए ऑप्शन है ए फैकल्टी बी फैसिलिटी सी प्रेटर्निटी डी मॉडल एंड ई सी What should be the answer? Is it done? बहुत confusing है ना? अच्छा एक बात बताओ फैकल्टी क्या होता है किसी सब्जेक्ट का फैकल्टी होता है देखो दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं जाएंगे मॉडल एज द मॉडल विद द कंस्ट्रक्शन साइट लाइक सिचुएशन वहां जो सिचुएशन होती है न्यूज़ रूम में वो कंस्ट्रक्शन साइट लाइक सिचुएशन होती है सोचो सोचो किस लेवल की सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन की साइट लाइक सिचुएशन सीन और मॉडल तो नहीं जा सकता इफ यू वर्क इन अ न्यूज़ रूम फ्रेटर्निटी क्या होता है जैसे हम मैथ्स फटर्निटीज को देखते हैं अपने कॉलेजेस में है मैथ्स फेटर्निटी इंग्लिश फेटर्निटी फ्रिटी क्या होता है एक ग्रुप होता है जिसमें कॉमन लोग एक ही जैसा इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं है ना तो इस फ्रेटर्निटी द आंसर इफ यू वर्क इन न्यूज रूम एज द अजरूमिटी विद्रक्शन यू आर वर्किंग एज द फ्रिटी यू आर वर्किंग नोट फ्रिटी नो ना फैकअल्टी बचा और फैसिलिटी बचा जो न्यूज रूम में काम कर रहा होगा वो लोग स्टाफ मेंबर्स हैं है कि नहीं वो लोग स्टाफ मेंबर्स हैं तो फैकल्टी तो नहीं बोल सकते मोस्टली ये मेंटर्स या टीचर्स को बोला जाता है मोस्टली फैकल्टीज मेंटर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ठीक है उनको फैकल्टीज कहा जाता है जैसे आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश तो दीज आर पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब अब सिर्फ यही नहीं कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग

जो रूम uh, होता है जो स्पेस होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट लाइक होता है इन अ ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल इज नोन ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल वही होते हैं यू माइट आप ये करोगे, दैट आपको बी का आंसर करना है ठीक है बी का आंसर करना है आपके ऑप्शंस ये रहे बहुत इजीली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी मैंने आपको इस पैसेज को बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझा दिया है as the facility with a construction site like situation in a broadcast news channel is known you might agree that it is a scene of dash of obviously बात है ये ये सीन अच्छा तो नहीं है कोई चिल्ला रहा है देयर इज कांस्टेंट गेस्टुलेशन What is sorry, gestuculation? इसका मतलब gestures. लोग जेस्टर्स देल कर रहे हैं किसी को बुला रहे किसी को भेज रहे कोई रीड कर रहा है few privileged one, अगर आप लकी है तो यू कैन इवन स्वेर अलॉट आप गालियां भी दे सकते हैं दिचुएशन इज नॉट नाइस क्या आपके क्वेश्चन में हार्मोनी कभी भी जाएगा पॉसिबल नहीं है इट्स अ पॉजिटिव वर्ड इम्पॉसिबल इसमें हमें डेफिनेटली एक नेगेटिव वर्ड चाहिए Quiet जाएगा क्या क्वाइट का मतलब silent होता है ये भी नहीं जा सकता इट इज ऑफ टेरर अब ये ऐसा थोड़ी ना कि आपको डरा रहा है है ये ये तो order भी नहीं जा सकता, ये जा सकता, सकता अब आपके मन में सवाल आएगा मैं मुझे बेडलैम मतलब नहीं पता exactly. actually एक ऐसी सिचुएशन होती है विच इज अचुएशन ऑफ के एक ऐसी situation होती है, वे थिंग्स आर नॉट ऑर्डर

आपके ऑप्शंस हैं ये सी वाले का अब आपको आंसर करना है ठीक है Is it done? चलो एक बार हो जाएगा आप लोग मुझे बताना बहुत इजी क्वेश्चन है वेरी डुएबल वेरी डुएबल Right? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। Question का answer क्या होगा? ये सब अच्छे के लिए होता है। द ब्रॉडकास्ट ऑन टाइम इज डैश अब देखो ब्रॉडकास्ट ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ये भी आंसर हो सकता है फुट इज रीजनेबल क्योंकि ब्रॉडकास्ट लॉजिकल है टाइम पे लगाना रैशनल का मतलब भी लॉजिकल होता है तो दो ऑप्शन तो पक्का नहीं जाएंगे सी और डी नहीं हो सकता इट इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट या फिर टू अ लार्ज डिग्री है ना हम इसको बोल सकते हैं किसी भी चीज को अगर बहुत लार्ज एक्सटेंट तक देखा जा रहा है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं एंड देन यू हैव पैरामाउंट पैरामाउंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द आंसर हैज टू बी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं गया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतना सारा ड्रामा ऑथर ने क्यों बनाया ये दिखाने के लिए कि टाइम इज द एसेंस हि इट्स अ पैरामाउंट इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग इट्स अ फॉरमोस्ट थिंग गेट दैट सो इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बिकॉज टाइम इज ऑफ दस हियर सो द आंसर इज गोइंग टू बी पैरामाउंट पैरामाउंट आपके क्वेश्चन का आंसर होगा इज दट क्लियर एवरी वन ठीक है समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट में क्यों आ रहा है ऐसा ठीक है चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास अब डी और ई e है ना बिकॉज डी इज देयर आप रीड करते करते भी आंसर कर सकते हो आई जस्ट हाइड माई सेल्फ एंड आई राइटंस फॉर यू अब आपको इसका आंसर देना है अब देखो अब बन जाएगा आपसे Read.

जो the the scene scene, might, it's not the scene, it's It's not a scenario. scenario. देखो मतलब तुम देख रहे हो, का मतलब होता है वो जो होता है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग गोइंग ऑन तो सिनेरियो इट्स नॉट पिक्चर इट्स नॉट स्टेज एंड इट इज नॉट लोकेशन ये तो पक्का नहीं जाता स्टेज एंड लोकेशन पिक्चर

बताओ क्या होगा वाई लाव एंकर रॉन्स थ्रू द डेज डेज वॉट डेज रिव्यूज क्या वो डेज के रिव्यूज में दौड़ रहा होता है ओके okay. क्या वो रिव्यूज में दौड़ेगा नहीं रैम्बलिंग्स में दौड़ेगा क्या आपको पता है रैम्बलिंग्स का मीनिंग क्या होता है समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग एंड कंफ्यूज अगर कोई चीज रैम्बल्ड है इट्स कंफ्यूजिंग बस ठीक है या और रंबलिंग का मतलब क्या होता है जैसे थंडर होता है ना हैवी साउंड डीप साउंड डीप हैवी साउंड वो हम रंबलिंग बोलते हैं जैसे थंडर गरजना है ना हिज वॉइस वॉज रंबलिंग इन द रूम बिकॉज ऑफ एंगर वो गुस्सा था इसे वॉइस उसकी रंबल कर रही है रैम्बल है तो ये इजिली स्प्रेड हो गया है अलग अलग डायरेक्शन में अब म्यूजिंग ये कुछ नहीं होता दिस इज मेडिटेशन अब मेडिटेशन का तो भाई सवाल ही नहीं है इस इस पूरे में क्योंकि शांति से तो कोई नहीं बैठा तो बचा क्या अ एंकर द डेज न्यूज क्या बताता है उस पूरे दिन में क्या क्या हो रहा है इन द हैपनिंग्स और इन द बैकग्राउंड आपको प्रोड्यूसर्स दिखते हैं एडिटर्स दिखते हैं जो डोसे यानी कि जो लोग शांति से अपना पूरा काम फिनिश कर रहे होते हैं सो द आंसर इज गोइंग टू बी ओनली ए A is the answer of this question. How was the session so far, children? मैंने इसको जितना सिंपल बनाया जा सकता तो सिंपल बनाया पसंद आया है तो भैया लाइक एंड शेयर किए बिना कोई नहीं जा रहा आज बिना लाइक एंड शेयर किए कोई कोई नहीं जा रहा कहीं एक और क्वेश्चन ट्राई करें? अब ये नया पैटर्न क्वेश्चन है एक और कराते फिर छुट्टी पक्का ठीक है डू लाइक एंड शेयर इफ यू हैव एंजॉयड इट शेयर योर स्कोज इज वेल एंड लेट सी वॉट वी हैव स्कोर्ड हेयर

इट्स so डन हो गया अब एक क्वेश्चन इसमें सुनो क्या है एक पैसेज है कहानी जैसा ठीक है उसमें कुछ वर्ड्स को प्रिंट कर दिया है पता है आप लोग को क्या करना है आप लोगों ने कई बार एक चीज सीखी होगी जहां पे जब हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसे पैसेजेस दिखते हैं जहां पर एक ही वर्ड के वेरियस मीनिंग्स होते हैं ग्रामर में बट उस पैसेज में उस वर्ड का कोई अलग यूजेज है जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स वर्ड रेंज रेज कहीं कहीं पैशन के लिए भी यूज किया जाता है ही हैज गॉट अ रेज फॉर बाइक्स पैशन ही लेफ्ट द रूम इन रेज वो रूम से गुस्से में चला गया रेज में एंगर फ्यूरी जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम सेंटेंस पढ़कर समझते हैं ना कि फिर वहां पे वो वर्ड क्या मीन कर रहा है आज वही टेस्ट है आपको एक पैसेज पढ़ने को मिलेगा सारे वर्ड्स अपनी जगह पे सही हैं कोई गलती नहीं है आपको मुझे उस पैसेज में उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग रियल मीनिंग नहीं चाहिए पैसेज में वो वर्ड क्या काम कर रहा है आपको मुझे वो बताना है आर यू ऑल रेडी फॉर इट एवरी वन आर यू ऑल रेडी फॉर इट अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं आप सबके साथ आप पहले पूरा पैसेज पढ़िए वो जो चार वर्ड्स जिनके आपको एक्चुअल मीनिंग रहे हैं वो हैं कैप्चर्ड स्टार्टलिंग एंड हम्बलिंग, ठीक है ऑल द बेस्ट पहले रीड करो लिए आप सब ने अब हम लोग एक बार पैसेज को खुद से समझते हैं फिर हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग हमसे क्या पूछा गया था असली so, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है 63% ऑफ इंडियास पॉपुलेशन इज अंडर 30 इमेजिन कितने यंग लोग हैं इंडिया में पता है द ओनली कंट्री टू हैव दिस फेयर एंबिशंस देयर थॉट्स एंबिशंस ग्रीवियंस यानी कंप्लेंट्स आपकी प्रॉब्लम्स आपके कंप्लेंट्स पेन हेल्पलेसनेस एंड होप्स

the results were both startling and humbling now results no type it is startling b or humbling b ready ab aapko mujhe batana hai ki jo word capture hai theek hai jo word capture hai pehle wale blank mein uska inme se kaun sa answer सकता है what is captured he captured them on camera but is captured here me इस वाले में कैप्चर का मीनिंग क्या है क्या उन्हें जीत लिया उसने क्या वो उनके पीछे भागा क्या उन्हें कैप्शन दिया क्या उसने किया इंडिस्क्रिमिनेटली पकड़ लिया कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना इस पास में तो कैप्चर का मतलब यही है हाँ लेकिन पता है आपको अगर हम कहते द क्रिमिनल कैप्चर्ड पुलिस तब इसका मीनिंग क्या होता तब इसका मतलब होता है कि के, के, जो क्रिमिनल है उसको सीज कर लिया गया तब कोई पिक्चर नहीं आएगा सी कैप्चर हैज सो मेनी मीनिंग्स, लेकिन इस पैसेज में इट रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर समझ में आया अगला जो वर्ड है वो है ट्रेवर्स अक्रॉस द नेशन ट्रेवर्स्ड। इसका मीनिंग आपके अकॉर्डिंग पैसेज में क्या है क्या होता है एक छोर से दूसरे छोर तक जाना जैसे एक ब्रिज ट्रेवर्स करता है ना फ्रॉम वन एंड टू दी अदर क्या ये ज्वाइंट इशूज है He extended across the nation. He suffered all the data. He served the data. उसने इंटरनेट पे सर्व किया hai data. He reviewed the data. No, he went across. He went across India and then he made a documentary of it. That's right. अगला वर्ड है आप सबके सामने है एंड दैट इज ही क्वेश्चंस टू रेस्टलेस पीपल रेस्टलेस वर्ड का इनमें से कौन सा आंसर मजेदार है ना रेस्टलेस क्या होता है फियरफुल आप रेस्टलेस फील कर रहे हो मेरे रिजल्ट्स आने वाले मेरे रिजल्ट्स आने वाले योर फीलिंग रेस्टलेस वो फियरफुल नहीं है ठीक है

ये आपके बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग थे ऑफिस आप कभी भी किसी नेशन में लॉजिक लगाओ अगर तुम किसी से चार बात पूछोगे तो तीन लोग इसके फेवर में होंगे तीन लोग नहीं होंगे इट्स नॉट एनकरेजिंग का मतलब तो होता है सफोकेटिंग अगर आप किसी का गला स्टिफिल कर रहे हो तो सफोकेट कर रहे हो है ना जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉदर करना या फिर आप बोल सकते हो चोक करना इसको बोला जाएगा क्या ये आंसर होगा Precluding और obvious का मीनिंग क्या होता है Obvious का मतलब तो स्पष्ट है क्या ये आंसर जा सकता था आपके क्वेश्चन में कभी भी नहीं जा सकता था और मैंने आप लोगों को precluding वर्ड पचासों बार पढ़ाया हुआ है क्या आप लोगों को कोई आंसर देना है अलग से किसी को भी चलिए अब अगर आप preclude कर रहे हो तो किसी चीज को आप प्रिवेंट कर रहे होते हो ठीक है

ंग वर्ड का आप लोगों को मुझे इस वाले क्वेश्चन का मीनिंग खोज के देना है बट अकॉर्डिंग टू दैसेजर होमवर्क होमवर्क के बिना भैया मत आना क्लास में ठीक है आई होप दैट यू पीपल है से भैया दिल खोल के पहले तो आप सबको सेशन को लाइक 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 खामेन 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 शेयर शेर शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो पर हम हम सारे mentors आपको रोज आते आते हैं हैं पढ़ाने बेटा आप लोग हमारे साथ जानते हो है ना सुबह दिन में दो बार एडिटोरियल का होमवर्क कर लेना वो live हुआ था बजे वाला सेशन कर लेना editorial, इसका होमवर्क मैंडेटरी है करंट अफेयर्स की क्लास दो बार होगा आठ बजे बारह बजे मैथ्स की नौ बजे चार बजे और इजनिंग की ग्यारह बजे पांच बजे याद से कर लीजिएगा ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम पक्का

Do like, share, Cheka, Because it was. I hope it was a wonderful session. Have a great day. Stay blessed.